हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में एक एप्लीकेशन को अनजिप और जिप करके एक प्रोजेक्ट में आप कैसे बंद कर सकते हैं, या कहें कि एक आपके पास प्रोजेक्ट फाइल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या आपने गिटहब से डाउनलोड किए हैं, या आपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन वगैरह किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, फाइल अपडेट करी हैं, उस कंडीशन में आपके पास जो फाइल्स है उसको आप एंड्रॉयड फ़ोन पे ही कैसे आप एक APK फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एप्लीकेशन को अगर आपको अनपैक करना है या फिर आपके उसको प्रोजेक्ट ओपन करने हैं, ठीक है, तो वो आप इजीली कैसे कर सकते हैं और सबसे सही और सेफ तरीका कौन सा है जिसमें आपके एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं आएगा। देखिए, जनरली जो ट्रैक लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि ऐप में जो APK फाइल उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद जिप चेंज कर देते हैं उसका एक्सटेंशन, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, मतलब ये कंप्यूटर में अब अगर आप करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम कर जाती है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप इसी चीज़ को दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो आपका एक पूरा एप्लीकेशन का पैकेज फाइल जो है बिल्ड नहीं हो पाता है, ठीक। तो मैं आपको एक सेफ़ तरीका भी बताऊँगा सबसे सही, जिसमें आपके एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं आएगा, सही से काम करेगा। ओके, तो देखिए, एक ऐप मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, APK टूल एम इसका जो नाम है, और इसको मैं आपको पूरा सेटअप करने कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो ये आप देख लीजिए, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये कुछ कोई और ही लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। कुछ परमिशन, मतलब इसके लाइसेंस वगैरह जो हैं वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके करिए, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ परमिशन दे दीजिए आप इसको, और ओके। और ये आप देखिए, आपके सामने अगर ऐसा पॉपअप विंडो आता है तो आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है, और अपडेट का टाइम डेट दे आप देख लीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस ऐप में एरर आ सकता है। तो इस ऐप को सबसे पहले आपको अपडेट करना है। ये बहुत कमाल की ऐप है। अगर आप एक एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स को जो है एप्लीकेशन में बदलना चाह रहे हैं, APK फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा लाइव करके। और इस चीज़ को आप ऑलरेडी अलग वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो उनमें आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ में देखना है कि आप एक ऐप को प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए, सेटअप करना है, अपडेट करेंगे, अपडेट नाउ डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं, तो आपके पास एक APK फाइल आ जाएगा इसका। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं डायरेक्टली। और ये अगर आप देखिए MIUI यूज़ कर रहे हैं, Xiaomi डिवाइस, तो आपको उसमें ऐसा कुछ आएगा पॉपअप। अगर आप वीवो या ओप्पो यूज़ कर रहे हैं, कोई और अदर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और रोम, तो उसमें कुछ और पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे इसको जो कुछ सेटिंग्स है ना, ये बता रहा है कि कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो कि डेवलपर ऑप्शन में डिसेबल हैं, या फिर वो आपको इनेबल करनी होगी, या कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये आप देखिए, यहाँ पे APK टूल एम हमारा जो है इंस्टॉल होने के लिए आ गया है। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल होने का जो परमिशन है वो हम दे देते हैं, और यहाँ से ओके कर देते हैं। और ये जो है अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, ये आपको सभी फ़ोन्स में इस तरह से करना पड़ेगा, या आप फायर मैनेजर से भी जा करके वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं ऐप को। ओके, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे और आप देखिए हमारा जो ऐप है अब वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी ही देर में ये जो ऐप है इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करते हैं इसको। और अब आप देखिए, ऐप ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, क्लोज़ कर दीजिए इसको, या फिर आप सेटिंग्स में चेंज करना चाहें तो आप देखिए सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MIUI ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिसेबल करने के लिए यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में ये आपको डेवलपर ऑप्शन में ले आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे MIUI ऑप्टिमाइजेशन इनेबल नहीं है। ये MIUI ऑप्टिमाइजेशन आप देखें तो यहीं लास्ट में रहता है ऑप्शन, बट वो अभी इस फ़ोन में जो है वो फीचर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे और कहीं भी मुझे MIUI ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिखा, सो ये जो फीचर है हालांकि ये ऑफ है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड यहाँ पे भी नहीं है। ऑलराइट, तो इसको हम बैक कर देते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इससे। और अब आप देखिए, ये कुछ अपडेट के बाद जो कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो ऐसा आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें आपको सेटअप करने में, लेकिन एक बार सेटअप कर लेते हैं तो आप ईजिली इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। और एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसके कुछ चीज़ें डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं तो ये ऐप ठीक से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसको आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग कुछ फाइल डाउनलोड करनी रहती है जो कि आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को
एक एक चीज़ देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड 11R यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बता रहा है जो इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। ठीक, तो ओके करते हैं। और यहाँ पे हमने फाइल को एक्सेस इसको दे दिया। और अब आप देखिए यहाँ पे ये अटेंशन ये जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप फाइल होती है कुछ इसकी। ठीक है, तो जो कि आप ऐप को बिल्ड करेंगे तब ये फॉर्मेट में आप सपोर्ट कर रहेगा। ठीक है, AAPT, इसको एक्चुअली थोड़ा ये डिटेल चीज़ है, तो मैं अभी एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर ऐप रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अगर पेज आता है आपके पास में तो आपको इसको डाउनलोड करना है। ये एक्चुअली आपके फ़ोन के जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग एक लाइसेंस जो एप्लीकेशन देता है, जिससे आपके जो ऐप है वो इजीली इंस्टॉल हो पाती है आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, एक ऐप जनरेट होता है। ठीक, तो ये बहुत हेल्पफुल जो फीचर है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड फॉर SDK 33 भी कर सकते हैं। ओके, तो हम ओके कर देते हैं। डाउनलोड पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी गाइस, तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दोनों ही हमारे जो फाइल हैं AAPT और AAPT2 वर्जन वाली जो फाइल्स हैं वो हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। ओके करेंगे एंड यस करेंगे। और यहाँ अभी ये जो है बैटरी का परमिशन मांग रहा है। एक्चुअली आपको इसका जो परमिशन है वो नॉन रिस्ट्रिक्शन पे सेट करना है, तो ये बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा। इवन बैकग्राउंड में भी आप ऐसे मिनिमाइज़ कर दे जस्ट लाइक ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो ये काम करता है। चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, एक एप्लीकेशन पिक करना है जिसको हमें अनजिप करना है। ओके, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फर्स्ट ये स्टोरेज वाला सेक्शन है, यहाँ पे देन एप्लीकेशन पे आना है आपको। यहाँ से कोई भी ऐप आप सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम कर लेता हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन मैंने एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने खुद से चेंजेस में करे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो मैं उस ऐप को यहाँ पर फिर से डीकम्पाइल करूँगा। देखिए, अब आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें। एक मिनट, तो ये आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। यहाँ पे आप डीकम्पाइल कर सकते हैं, क्विक एडिट करना चाहें तो क्विक एडिट में आपको आइकन्स वगैरह एडिट करना है, इस ऐप के नाम चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो अभी हम डीकम्पाइल करेंगे जिसमें हम एप्लीकेशन के फाइल्स खोल सकते हैं, उनमें से कुछ फाइल निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ फाइल डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे फाइल्स होते हैं यार ऐप में जिनको आप डिलीट भी कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने किया है, एप्लीकेशन कंप्रेस हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है एक्चुअली। ओके, तो चलिए मैं डिकम्पाइल करता हूँ। और अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ जो डिकम्पाइल रिसोर्सेज पे अगर आप टिक करेंगे तो ये जो है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो आपके जो एप्लीकेशन है उसके जो रिसोर्स वाले फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो ही आपके जो है डिकम्पाइल होंगे। ये जो डेक्स फाइल होते हैं जो कि जावा फाइल कंटेन करते हैं, कुछ कोड होता है इंटरनल लॉजिक वाली जो चीज़ें होती हैं वो कंटेन करता है, तो वो यहाँ पे डेक्स फाइल अगर आप टिक कर देंगे तो ये डेक्स फाइल भी जो है डिकम्पाइल कर देगा। लेकिन अभी हमें लॉजिक वाली चीज़ों में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे रिसोर्सेस वाले से काम होगा। अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ आइकन्स अपडेट करना है या फिर कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, यूआई चेंज करना है, तो वो आप रिसोर्सेस से कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेस्क फाइल में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो सारी फाइल्स हैं वो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन्स पे ओपन नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। ओके, तो रिसोर्सेज वाले जो चीज़ें होती हैं थोड़ी चीज़ें जो कि आप इजीली एंड्रॉयड फ़ोन पे कर सकते हो चेंजेस। चलिए मैं डीकम्पाइल करता हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो फीचर्स है, जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेता है डिकम्पाइल होने में। और अभी हमने डेस्क फाइल डिकम्पाइल नहीं किया है, इस वजह से हमारा जो टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा। और जैसे ही डिकम्पाइल हो जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हमें आगे चीज़ क्या करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये फाइल जो हमारी डिकम्पाइल हो चुकी है, तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ पे ये कह रहा है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो ये पॉपअप चला जाएगा। और ये गो टू वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये पूरे उसी फाइल फोल्डर में ले आ जाता है जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का पैकेज है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जब भी। मैं आपको देखिए एक बार बैक करके दिखाऊँ, तो ये है एंड्रॉयड टूल एम करके फोल्डर आएगा, उसमें जो आपका APK डिज़ाइन एम करके, तो देखिए ऐसे उसके सारे फाइल्स आ जाएंगे। पहला फोल्डर है एसेट्स का, उसके बाद ओरिजिनल एंड रिसोर्स। तो अभी हमने कम फाइल्स करें इसीलिए यहाँ पे हमें ये इतने ही फोल्डर शो हो रहे हैं, सारे फोल्डर शो नहीं हो रहे। अभी आप देखिए नीचे के साइड में classes.dex वाले फाइल्स एंड फोल्डर्स भी हैं।
तो ये हम जब इनको भी करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फोल्डर्स हैं, सारे फोल्डर्स हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो पहले नंबर का जो है, आपके पास एक फोल्डर है, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंपाइल दिस प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो कंपाइल दिस प्रोजेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो वो आप उसके एप्लीकेशन को एपीके बना पाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए एसेट्स में जब आप जाएंगे तो एसेट्स में जो भी फाइल्स होती है, जैसे फॉन्ट्स हो गए, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक, इनको आप कॉपी कर सकते हैं, अपने यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें नए फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और फॉन्ट्स चाहिए जो आप एप्लीकेशन में ही देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद ऐप में आप इनको यूज़ कर पाएंगे। ओके, एंड इफ़ेक्ट्स में कुछ इमेजेस वगैरह हो गए, प्रीसेट्स वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी फोल्डर्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं साइज़ के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो उसका जो साइज़ है वो कम हो गया उससे। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा साइज़ वाली जो जो चीज़ें होती हैं वैसे, तो ये आप देखिए क्लासेस डॉट डेक्स वाली जो फाइल्स हैं 3.1, और ये जो ये इनका सबसे ज़्यादा फाइल साइज़ होता है एक्चुअली, क्योंकि इनमें ही जो मेन कोड होता है वो एक्चुअली रिलेटेड रहता है। और इसके बाद एप्लीकेशन के अपने खुद के पर्सनल जो सर्विसेज जो डेवलपर्स ने डाले होंगे वो रहेंगे, तो उनमें आप चेंजेस नहीं करिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा। एक ऐप को आपको एडिट करने में बहुत बहुत दिन लग जाएंगे, तो आप इनमें मत जाइएगा। आपको सिंपल जो चीज़ें करनी है वो आप पता करिए और देन उनको ही एडिट करिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन का फॉर एग्जांपल आपने अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट करने के बाद आपने सिंपल ये कंपाइल दिस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और ये ऑप्शन जो है ना, इनको आप ठीक से देखिए, यूज़ AAPT, ये एक थोड़ा सा पहला वर्जन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्जन 2 वाला। बट अगर आप ऐप इससे बनाते हैं अपने डिवाइस पे, इससे बिल्ड करते हैं, डीकम्पाइल से कंपाइल करते हैं, तो अगर आपका ऐप अगर नहीं चलता है, देन उस केस में आप इसका वर्जन 2 यूज़ करिए, तो ये काम करता है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर फाइल है, इसको आप देख लीजिए एक बार। अगर यहाँ पे डोंट साइन लिखा है, इसका मतलब है आपकी जो ऐप है वो आपके फ़ोन में रन नहीं होगी। ओके, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। और इन केस अगर वो इंस्टॉल हो भी जाती है, तो उसका जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऐप है वो उसके ओपन करने की वजह से आप इस ऐप की मदद से जो करेंगे चेंजेस, तो उसका सिग्नेचर जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर पे एक ये अच्छा काम करता है, ये अपने आप में की को टेस्ट कर लेता है, देन जो भी बेस्ट होती है उसको लगा करके उस जो सिग्नेचर फाइल है उसको तैयार करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच ओरिजिनल है, ये भी सही से काम कर जाता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाला मुझे ज़्यादातर बेटर लगा। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, इनमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना। इन दोनों फीचर्स की ज़रूरत आपको तब पड़ेगा जब आपका एप्लीकेशन जो है बिल्ड नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने एप्लीकेशन तो तैयार कर लिया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो आप इनको चेंज करिए, स्विच करिए थोड़ा सा और फिर से ट्राई करिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे, यूज़ AAPT 2, क्योंकि मैंने जो अभी ऐप रन कर रहा था बीच में तो जो है वो एरर आ गया। ओके, मैंने उसमें वीडियो में इसको मैं हटा दूंगा, बट यहाँ पे मैंने जब इसको चेंजेस करे तो इसकी वजह से क्या हुआ, एरर आ गया। तो हम यहाँ पे 2 वर्जन यूज़ करेंगे और इसको फिर से कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं क्या ये एरर देता है या नहीं देता है। अगर ये एरर नहीं देता है देन हमारा जो एप्लीकेशन बिल्डिंग प्रोसेस है वो सक्सेस हो जाएगा। और आप ऐसा किसी भी एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें चेंजेस करना, अपनी मर्ज़ी से अपडेटेड करना जो है क्या कहते हैं अलाउ रहता है, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और उनमें जो सोर्स कोड होता है वो भी काफ़ी सिंपल रखा जाता है, कोई इंक्रिप्शन ज़्यादा उसमें नहीं लगाई जाती। जो कंपनी या ब्रांडेड वाली कुछ ऐप्स होती है, जैसे कि लाइक गूगल की ऐप्स या कुछ ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वाली ऐप्स हुए, इन ऐप्स में क्या है, आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इनका खुद का इंक्रिप्शन होता है, ताकि कोई एप्लीकेशन को मोड ना बना पाए या उसको कुछ अपने लिए यूज़ ना कर पाए, इसलिए ये लोग थोड़ा इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई, लेकिन अगर आप ओपन सोर्स एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन पे कंपाइल करते हैं, डीकंपाइल करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा करके आप अपनी खुद की ऐप्स बना सकते हो, या आप अपनी किसी भी ऐप में अपने अकॉर्डिंग फीचर्स को कम या ज़्यादा ऐड करना है या रिमूव करना है वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ हो जाएगा। और जहाँ तक है भाई, काफ़ी सारे एंड्रॉयड ऐप्स अब आ गए हैं और मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाया हुआ है, तो वो
काफ़ी चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। मैंने काफ़ी 10-12 ऐप्स जो बताए हुए हैं जो कि लगभग लगभग एंड्रॉयड स्टूडियो के जैसे काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है लगभग फ्री मिलने वाली हैं एंड्रॉयड पे, और आपको ईजी मिलने वाली है। काफ़ी सारे ऐप्स जो है बन चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी एक कंपाइलेशन प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद अगर ये कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो मतलब है हमारा जो ऐप है वो चलने के लिए तैयार है। ओके, तब तक हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ फाइल मैनेजर पे जाएंगे और ये आप देखिए अभी एक्चुअली ऐप हमारा बिल्ड हो चुका है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। कुछ साइड करते हैं एक मिनट, और ये आप देखिए यहाँ पे ये फाइल मैनेजर जैसे आपका रहेगा तो इसमें बहुत सारे फोल्डर रहते हैं। वैसे तो मैंने कुछ हाइड करके रखे हुए हैं क्योंकि ये फोल्डर बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है और वो बनते ही रहते हैं, तो मैंने उन्हीं सिस्टम फोल्डर्स को हाइड कर दिया। ओके, तो एंड्रॉयड के जो फोल्डर होगा आपके फ़ोन में तो उसके आसपास आपको फोल्डर मिलेगा APK टूल एम करके। इसको क्लिक करते ही आपके जो जितने भी ऐप्स आपने डीकम्पाइल करे होंगे इस ऐप का यूज़ करके वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और उन्हीं ऐप्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाकर के रिसोर्स उनके फाइल्स हो गए वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उनमें फ़ाइल अपडेट करना है तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए रिसोर्स वाला जो फोल्डर है ये ड्राइवर, सारी फाइल्स मिल जाएंगी आपको, स्ट्रिंग हो गया सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फाइल रहेंगे वो रहेगा। और आप देखिए जैसे हमारा जो ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया है ना, तो ये जो ऐप का APK रहेगा, ये ऐप का APK आपका जो ये फोल्डर है इसी के अंदर बन जाएगा, ये देखिए। और अगर आप इसको बिल्ड करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं दोबारा से, बट फिर एप्लीकेशन साइज़ बढ़ जाएगा। तो आप ये करिए, इसको कट कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पे बाहर की साइड पेस्ट कर दीजिए। अब ये देखिए, हालांकि मेरे पास पहले से ऐप है जिसका मैंने बनाया था, जो इंस्टॉल है अभी मेरे फ़ोन में, और ये जो है हमारा नया ऐप बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉपअप था यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि हमने एप्लीकेशन को मूव कर दिया है। ओके, तो चलिए मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ एक बार। इंस्टॉल करेंगे तो अब आप देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो ये एप्लीकेशन कंपाइलेशन जो प्रोसेस था उसमें भी कोई एरर नहीं आया है। देन यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आने वाला है, इसको जस्ट अपडेट करिए। और अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऐप मैं पहले ओपन करके दिखाता हूँ, ये ऐप अभी भी रनिंग में होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो हमारे जो ऐप है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। ओके, और ये देखिए ये जो भी प्रीसेट्स वगैरह थंबनेल्स थे वो सब यहाँ पे हैं, और यहाँ से भी जो ऐप है वो हमारा इंस्टॉल हो गया है। अगर ये ऐप जो है इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो ये जो है क्लोज़ हो जाता या फिर बैकग्राउंड में पॉज हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ऐप तैयार है और ये ऐप बिल्कुल ठीक से काम कर भी रहा है। अगर आप इसमें अपडेट वगैरह भी करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इस ऐप को ट्राई भी कर रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले एक छोटे MB का कम साइज़ वाला ऐप आप ट्राई करिए, उससे क्या होगा ये कंपाइल वाला प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और आपका जो APK है वो जल्दी बिल्ड हो जाएगा। ओके, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, एंड देन इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप ऐसे APK को तैयार कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स के थ्रू एक APK फाइल बना सकते हैं, वो भी आपने इस वीडियो में सीखा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैं आपको क्लियर करना चाहता था, इसीलिए वीडियो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन जनरली मेरे जो लंबे वीडियोस होते हैं उनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअली जो मैंने सब कुछ सीखा है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ पाए। सो अगर आपको लगता है कि बड़े वीडियो जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो देखिए सही चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो बड़े वीडियोस होते हैं वो आपको बहुत टाइम सेव करते हैं और जो छोटे वीडियोस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, एंड देन आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जंप करते रहते हो। तो आपको एक जगह इन्फॉर्मेशन मिलेगा फिर आपको कोई और वीडियो शायद नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कभी कभी ट्राई करता हूँ कि बहुत एक बड़ा वीडियो बना दूँ जिसमें सारा कुछ कवर कर दूँ एक टॉपिक के रिलेटेड, एंड देन इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो वीडियो सीरीज़ है वो भी बनाई है क्योंकि कई लोगों को अलग अलग वीडियो देखना पसंद है, छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद है। सो मैं उसी टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिवाइड करके प्लेलिस्ट में बढ़ा देता हूँ, तो वो वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको छोटे छोटे वीडियोस देखना पसंद है। एंड देन बड़े वीडियोस के लिए आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट उसमें होंगे, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप अभी भी वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।